जब इस्तिंजा के लिए आप मखसूस जगह जाने का इरादा करें तो जेब वगैरह में कोई दुआ के कार्ड हों या ऐसा कागज़ वगैरह है, ऐसे कार्ड्स हैं जिस पर अल्लाह अज़्ज़ल शानहू या उसके महबूब अली सलाम का नाम लिखा हो या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो, तो उसे निकाल देना बेहतर है। लेकिन अगर वो पर्स वगैरह में है तो हर्ज नहीं है। आजकल मोबाइल में लोग पूरा पूरा कुरान शरीफ लोड रखते हैं, उसको देख के तिलावत करते हैं। तो अब इस्तिंजा को जा रहा है तो याद रखिए कि मोबाइल में जो कुरान शरीफ आपने लोड किया हुआ है, जब वो कुरान शरीफ की आयतें स्क्रीन पर होगी, डिस्प्ले पर होगी, तो उसका हुक्म एहतराम कुरान जैसा होगा। जब वो मेमोरी कार्ड में सेव है, स्क्रीन पर नहीं है, तो उसका हुक्म कुरान जैसा नहीं है। उसको इस्तिंजा खाने में ले जाने में बहरहाल कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है।